अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो है मैं आप लोगों के साथ बड़ी ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए और मेहमानों के लिए बहुत ईजीली घर में बना सकते हैं और ईज़िली उनके सामने जो है इस तरह से बना के और आप सर्व करें, इंशाल्लाह आप उनको बहुत पसंद आएगी। तो बस मैंने ये स्पैगेटी, और है ये आप लोगों के पास जो भी हो सिंपल स्पैगेटी हो आप लोग उसमें भी इसको बना सकते हैं। इसके अंदर जो मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो है 1 कप के बराबर मैंने कीमा लिया है। इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर और हरा धनिया, हरी मिर्च इसके अंदर ऐड की हैं और अब मैं इसको अच्छे तरीके से कर लूँगी मिक्स। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर चिली सॉस और 2 टेबलस्पून के बराबर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सोया सॉस। और बस ये डाल के मैं इसको अच्छे तरीके से कर लूँगी मिक्स और थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर करके रख दूँगी, तब तक जो है मैं अपनी स्पैगेटी जो है इसको बॉईल कर लूँगी। मैंने इसको सिंपल बॉईल किया है, इसमें कोई कलर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस मैंने इसको सिर्फ सिंपल स्पैगेटी लिए है, पानी लिया है और सॉल्ट लिया है, ऑयल लिया है और इस तरीके से इसको मैंने बॉईल कर लिया। आप इसको इजीली इस तरह से भी बना सकते हैं कि आप कोफ्ते एक दिन पहले बना लें और इसको कोफ्तों को बना के आप फ्रीज कर लें और फिर जब आपको कभी बनानी हो तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। स्पैगेटी मैंने कर ली है बॉईल और अब जो है मैं कीमे के बनाऊंगी कोफ्ते छोटे छोटे साइज के, इस तरीके से पेड़ा लेके थोड़ा थोड़ा और उसको मैं जो है जिस तरीके से हम आम रूटीन में जो कोफ्ते वगैरह बनाते हैं इसी तरीके से मैं इसकी शेप दूंगी। और इस तरह से मैंने सारे कोफ्तों को जो है रेडी कर लिया है और अब मैं इनको करूंगी फ्राई। फ्लेम को मैंने कर लिया है ऑन और जो है 2 टेबलस्पून के बराबर जो है मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। ज़्यादा ऑयल आप शैलो फ्राई तो मुझे करना नहीं है, बस सिंपल सा इनको मुझे कुक करना है तो मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है। और अब मैं 1 बाय 1 करके जो है सारे कोफ्ते इसके अंदर डाल दूंगी और बस ये जल्दी से ये जो है मेरे कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। तो ये क्विक एंड ईजी रेसिपी है, बस ये कि अगर आप लोग इसको ईजिली अगर बनाना भी चाहें तो आप ये कोफ्ते अगर आप लोगों के पास हों तो आप इससे ईजिली बना सकते हैं। मैंने जो है इसी टाइम बनाए हैं तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा है, वरना जो है आप इसको आराम से बना सकते हैं और बड़े ज़बरदस्त सी ये कोफ्ता स्पैगेटी जो है बन के रेडी होती है। अगर आप ये वाला पैक लेना चाहें तो ये पैक ले लें, अगर आपके पास सिंपल जो हम आम रूटीन में जो स्पैगेटी यूज़ करते हैं हम वो भी यूज़ करें तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त बनती है इसके अंदर। लेकिन मेरे पास ये पैकेट था तो मैंने सोचा कि मैं इसको कुछ न्यू करके जो है अपनी फैमिली को दिखाती हूँ और उनको ये आइडिया देती हूँ कि आप लोग भी इस तरीके से इसको बनाएं। तो ये है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, आपके बच्चों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को। आप लोग बस ये है कि अगर आप लोग ट्राई करें तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने अगर ये रेसिपी ट्राई की तो आप लोगों को कैसी लगी। अब मैंने ये कढ़ाई ले ली थी और इसके अंदर मैं ऑयल डालूंगी और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी चॉप किया हुआ लहसुन। मैं सिर्फ इसमें लहसुन का यूज़ कर रही हूँ, अदरक का यूज़ नहीं कर रही हूँ। सिंपल मैंने लहसुन के चबे लिए हैं और उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी और उसको हल्का सा फ्राई कर लूंगी। इसके अलावा मैंने ये सॉसेस लिए हैं, एक अदर शिमला मिर्च ली थी हाफ रेड कलर की, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप लोग इसको यूज़ करिएगा, अदरवाइज नहीं करिएगा। और ये लहसुन जो था मैंने आपको बताया था कि चॉप करके मैंने रखा हुआ था वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है और अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। ऑयल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड किया है और जब इसका कलर चेंज हो गया है तो मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दी है, शिमला मिर्च ऐड कर दी है जिसको मैंने बस मोटा मोटा सा ऐसे काट के रखा हुआ था। ये थोड़ी सी फ्राई हो गई है तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी चिली सॉस, हॉट सॉस, ऑयस्टर सॉस, ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी हैं। इसके बाद जो है मैंने बॉयल की हुई स्पैगेटी भी इसके अंदर ऐड कर दी है और अब मैं इसको भी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। अब मैं ये स्पैगेटी का जो मसाला था इसके अंदर पैकेट में हॉट एंड सॉर वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी और इसे भी मैं कर दूंगी मिक्स और ये मेरी स्पैगेटी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है और अब मैं इसको सर्व करूंगी। उसके बाद जो है मैं इसको पर जो है कोफ्ते रख दूंगी तो ये जो है मेरी हॉट एंड सॉर स्पैगेटी जो है कोफ्ता स्पैगेटी वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी और फिर मैं आपको जो है इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये मैंने स्पैगेटी इस बाउल में निकाल ली है और अब जो है मैं कोफ्ते जो है इसके ऊपर जो है डेकोरेट करती जाऊंगी 1 बाय 1 करके, मतलब रखती जाऊंगी और जो है फिर मैं इसको सर्व करूंगी।
और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों की मेरी आज की रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की है वो आप लोगों को कैसी लगी। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे न्यू ब्लॉग में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।